हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस, डोसेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किस इलाज के लिए लिख कर दे रहे हैं, ये भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं क्यूरापॉड 200 mg टैबलेट की, और इसमें आपको एक ही कंटेंट मिल रहा है सीपोडॉक्सिम, और ये आपको मिल रहा है 200 mg में। इसके साथ आपको सीवी भी अवेलेबल हो जाता है, ओ भी अवेलेबल हो जाता है, ये सभी कंटेंट इसके साथ भी आपको मिल सकते हैं। तो ये टोटली आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सा वाला कंटेंट लिखकर दे रहे हैं। इसमें आपको सीपोडॉक्सिन मिल रहा है, और इस कंटेंट का इस्तेमाल डॉक्टर आपके बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को कम करने के लिए करते हैं। अगर आपको इंटरनल जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे गले के इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस के मतलब नाक के जो हड्डी होती है इनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन मतलब फेफड़ों वाले इन्फेक्शन, सभी इन्फेक्शन को कम करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक निमोनिया फेफड़ों के इन्फेक्शन से जुड़ा है, कफ ज्यादा हो गया है, तो इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन को कम करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल आपके लिए करते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल टैबलेट है, लेकिन इसको टाइम पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्स को भी पूरा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अच्छा भी महसूस होता है तो भी, अगर आप किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का कोर्स ले रहे हैं तो इसको पूरा लेना जरूरी है। ये ही नहीं, कोई भी एंटीबायोटिक दवाई अगर आप यूज करते होंगे तो कोर्स को पूरा लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं इनको मरने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप इसको बीच से छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया बॉडी में जिंदा रहते हैं। अगर आपको अच्छा ऐसा लग रहा है कि आपको ठीक लग रहा है, बेहतर महसूस हो रहा है, आप इसको छोड़ देंगे बीच से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बैक्टीरिया पनपते रहते हैं हमारी बॉडी में, बाद में वो हमको बहुत बड़ा सा हार्म करते हैं और फिर हमको अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसकी कोर्स जो है वो पूरा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समय पर लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही में ये जो है एक एंटीबायोटिक दवा है, ये बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिंग कवच को तोड़ने का काम करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, तो इसको खाने के साथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने के साथ आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अगर आप इसको बिना खाए लेते हैं तो हो सकता है आपको पेट के प्रॉब्लम हो, कब्ज हो, अपच हो, पेट दर्द हो, इस तरह के प्रॉब्लम भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप खाने के साथ इसको लेते हैं तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे लेने से अगर आपको बॉडी पर रैश दिखाई दे या फिर गले में सूजन हो, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ लग रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक एंटीबायोटिक दवा है तो हो सकता है आपको पतले वाले दस्त भी हो सकते हैं। दस्त जो है आपके 2 से 3 दिन के अंदर रुक जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है या फिर आपको 3-4 दिन से कंटिन्यू दस्त है और आपको दस्त से खून आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइमिंग के लिए आप इस टैबलेट को बंद कर सकते हैं। अब किडनी लीवर के पेशेंट जो है वो बिना डॉक्टर के पूछे इस टैबलेट को बिल्कुल नहीं लेंगे, और साथ ही में अगर अल्कोहलिक लोग इसको ले रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा सा असुरक्षित हो सकता है, इनको हो सकती है ड्राउजीनेस, तो इन्होंने भी डॉक्टर को बताकर ही इसे लेना है। अब इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट जो नॉमिनल है अपने आप चले जाते हैं, ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपको इससे मिचली हो सकती है, डायरिया, जैसे मैंने आपको बताया डायरिया नहीं रुके तो डॉक्टर को बताना है, दस्त हो सकते हैं और रैश हो सकते हैं बॉडी पर, जैसे किसी भी टैबलेट्स का या फिर किसी मेडिसिन के रिएक्शन हो जाते हैं तो कंधे पर या फिर हाथ पैरों में हमको हल्की हल्की ऐसी बूंदे दिखाई देती है। अगर ऐसा हो तो भी ये जो साइड इफेक्ट है 2-3 दिन के अंदर अपने आप निकल जाते हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी भी साइड इफेक्ट से अगर आपको तकलीफ हो तो डॉक्टर को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम क्वारंटीज फार्मा कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सी कंपनी आपको सेम कंटेंट बनाकर दे देगी। आप मेरे चैनल पर चेक करोगे तो आपको मैंने पहले भी बहुत सी कंपनियों के डाले हैं रिव्यूज, तो जैसे मैंने जीरोसेफ के 200 के बारे में भी पहले डाला है, तो बहुत से ऐसे मैंने कंटेनर डाले हैं आपके लिए अलग अलग कंपनी में, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं इसकी प्राइस क्या है। तो आज हम क्वारंटाइज के बारे में बात करेंगे। तो 10 टैबलेट की 1 स्ट्रिप आपको आने वाली है, 1 स्ट्रिप की कीमत 198 इतनी आ रही है, तो ठीक है, एक 198 रुपीज आ रही है, 198 रुपए अभी भी एक्सपायरी में चल रही है, तो आपको इतनी की ही मिलेगी। अगर आप क्वारंटाइज फार्मा की लेने जाओगे तो, अगर आप अदर कोई कंपनी लेने जाओगे तो प्राइसिंग में उतार चढ़ाव मिल सकता है। हर कंपनी के अपने अपने प्राइजेस होते हैं, उस हिसाब से आपको प्राइस मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बता देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर किसी भी मेडिसिन का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, आपको मेरे चैनल पर हर मेडिसिन का रिव्यू मिलता रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।